नमस्कार, राम राम। आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके घर में कोई सौभाग्यशाली बच्चे ने जन्म लिया है। सौभाग्यशाली बच्चे के जन्म लेते ही घर में दिन दूना रात तरक्की होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार ये निम्न मंगल से चलकर उच्च मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जिसको कि विचारों की रेखा कहते हैं। अब बुध पर्वत से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि हम प्रेम की रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बच्चे ने कैसा भाग लेके जन्म लिया है, कैसे उस बच्चे के जन्म होते ही घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है, लाइफ बदल जाती है। कहते हैं ना, सौभाग्य लेके बच्चे ने जन्म लिया है, वो कौन सा चिन्ह है। जैसे कि हस्तरेखा में और ज्योतिष में सेम चीजें वही एक्यूरेट मिलती हैं। और इसमें हम उस लक्षण की बात करते हैं जो सौभाग्यशाली बताता है, जिसको कहते हैं कि हम शुक्र का बल है। ऐसा हो, बच्चे ने बहुत अच्छा भाग लेके जन्म लिया है और जीवन में हर तरक्की को, हर कामयाबी को लेके अपने जीवन का एक लक्ष्य लेके पैदा हुआ है और उसके पैदा होते ही घर में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये शुक्र का जो बल है, बना है, ये प्रॉपर होना चाहिए, ऐसी कटा फटा नहीं होना चाहिए, ऐसे कटा फटा नहीं होना चाहिए। और अगर ये पूरा बनता है, ये पूरा बनता है शुक्र का बल है, तो ये क्या करता है, बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। आज जहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं उससे कई दुगुना आपके घर में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कि ये शुक्र का बल है, एक संपूर्ण बनता हो, पूरी तरह से विकसित होता हो, और इसी के साथ ये हमारी सन की फिंगर है, इसको हम सन की फिंगर कहते हैं। सन की फिंगर बड़ी हो और सन के पर्वत पे, ये सन का पर्वत का एरिया है, इस एरिया में, और ये सूर्य पर्वत का जो पर्वत है ये उठा हो, विकसित हो, जिसको हम कहते हैं, और यहां पर एक स्टार बनता हो, स्टार बनता हो, ये स्टार बनता हो, स्टार प्रॉपर बनता हो, ये स्टार प्रॉपर बनता है। स्टार क्या करता है, किसी भी पर्वत के ऊपर होता है, ये उस पर्वत के गुणों को बढ़ा देता है, पावर दे देता है। ऐसे लोगों को जीवन में नेम फेम मिल जाता है और इनके लाइफ में पैसे की इनकम बढ़ती जाती है, और ये पूरी लाइफ हम कह सकते हैं कि पैसे की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। और ऐसे बच्चे का जो जन्म है बहुत भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।